वाल्मीकि समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश करके वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। थाना कटघर अंतर्गत प्रेमनगर निवासी अमित भारती द्वारा वाल्मीकि समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ एक ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमित भारती के ग्राम रुस्तमपुर बड़मार स्थित कृषि भूमि लगभग 4 बीघा पर शिवेंद्र निवासी गोविंद नगर एवं चकित निवासी ऊंचा गांव ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने लगभग 1 दर्जन गुंडों के साथ बाउंड्री वॉल भी करा दी है और अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिसकी सूचना डायल 112 नंबर पर करके अवैध निर्माण को रुकवा दिया गया है, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, जिसमें मुख्य आरोपी एवं कटे हुए पेड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित अमित भारती का कहना है कि ये उसके 28 वर्ष पुरानी कृषि भूमि है। सूचना देने के बाद भी अभी तक जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध दलित उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जबकि वह बराबर धमका रहे हैं। जिलाधिकारी से आरोपियों के विरुद्ध उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने एवं दलित उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई गई है। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को पेश करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित अमित भारती ने बताया कि जी, मेरा नाम अमित भारती है और मेरा जमीनी विवाद हुआ है ठाकुर समुदाय से। पुस्तैनी मेरी जमीन है, हमारे पिताजी ने सन 1992 में इसका बहनामा कराया था, खातादार हैं, इनका एक हिस्सा हमारे पिताजी ने लिया था सन 1992 में, जिस पर हम काबिज थे। 1992 से लेकर आज तक कोई वाद विवाद जब नहीं था, परंतु अब इधर को आकर के चकबंदी जैसे आई तो उन लोगों ने, दबंग लोग हैं, ठाकुर समुदाय के लोग जो मेरे खेत के आगे लोग हैं, मेरे खेत के आगे भी उनका खेत है, मेरे खेत के पीछे भी उनका खेत है, अब उन्होंने मुझे बिना बताए बिना अकल दिए साहब पूरा रोड, मतलब पूरी चुनाई पर मजबूत कर ली, पक्का निर्माण कर लिया वहाँ पर और मेरा रास्ता बंद कर दिया और एक बीघा जमीन मेरी कब्जा ली, जो कि उस पर पूरे बाड़े में पेड़ भर हुए थे लिप्टिस के और पॉपुलर के, वो लिप्टिस के पॉपुलर के पेड़ भी काट लिए साहब। ये वाक्य था 16 तारीख की घटना जब घटी तो मुझे सूचना आई गाँव से ही कि आपके यहाँ जो कब्जा करा जा रही है आपकी ज़मीन पर। मैं मौके पर पहुँचा, मैं पहले थाना कटघर पहुँचा, थाना कटघर में तहरीर दी मैंने, थाना कटघर से कोई मुझे मदद नहीं हुई। फिर मैं भागा भागा खेत पर गया, खेत पर देखा तो 20-25 लोग वहाँ इकट्ठे थे, शराब वराब पी रहे थे, निर्माण चल गया था। मैंने वहाँ से लेपट को फ़ोन करके लेपट को बुलाया, आधा घंटा उपरांत लेपट आ गई, लेपट ने आकर के अपना कार्य को सब रुकवाया, मेरे साथ होकर के खड़े होकर के कार्य रुकवा दिया, पूरे डाटा डपटा। इससे पहले चकबंदी विभाग में मैं शिकायत दर्ज कर चुका हूँ अपनी, चकबंदी अधिकारी ने दूसरे दिन को मौके पर कानून गवान को और लेखपाल को भेजा, उन्होंने भी जाके देखा अतिक्रमण हुआ है, बुनियाद भरी गई है, पेड़ काटे गए, पेड़ उस टाइम पड़े थे, मेरे पास वीडियो साक्ष्य के रूप में अभी तक कह रखी थी पेड़ कटने के उपरांत। और साहब उसके बाद उन्होंने चकबंदी अधिकारी को उन्होंने भेजा और लेखपाल जी ने भी देखा, कहा कि अब किसी निर्माण को रुक गया है, यदि निर्माण होता है तो आप हमें सूचना करेंगे, हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर मुकदमा ठोक देंगे। मैं ठीक है साहब, मैं ऐसी आपसे उम्मीद भी करता हूँ, परंतु उन्होंने संडे के दिन फिर दोबारा, जो संडे में ऑफिस की सब छुट्टी होती है, अधिकारी सब लोग घर पे होते हैं, उन्होंने संडे का फायदा उठा करके फिर निर्माण करा उसको दोबारा। जब मुझे सूचना मिली मैं तत्काल कल फिर पहुँचा, वहाँ जा जब मैं पहुँचा तो मेरे साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी साहब, और मुझे जाति सूचक शब्दों से कहा गया, गलत सलत बोला गया, मैं अपनी जान बचा करके वहाँ से हटा। फिर मैंने लेपट को हट करके दूर जा करके फ़ोन करा, लेपट पहुँची, फिर काम रुका, काम रुकवाने के बाद जैसे ही मैं वापसी आया घर को, पता चली कि 7 बजे तक काम निर्माण पूरा करा लिया उन्होंने, कल पूरा उसे भर लिया है चक को, और मेरे साथ आप न्याय करा जाए। आज मेरा रास्ता रोक दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया है, ना मुझे रास्ता दे रहे हैं। आज जिलाधिकारी जी से मिलने आए थे, इस पर साहब SSC के तहत एक मुकदमा चाहते हैं कि हम तो गरीब आदमी गुले कुछ ले हैं। आज के टाइम में विडम्बना देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ठाकुरों की सरकार या मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और साहब दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, गरीब कुचला समुदाय, मेरा कोई कहना सुनने वाला नहीं है, तो मुझे दबा लिया गया साहब। अब मैं तो कानून की शरण में आया हूँ, कानून ही मेरा न्याय करे, मैं तो मुख्यमंत्री तक को पोर्टल पर डाल चुका हूँ, जिसको कोई संज्ञान नहीं लिया मेरी। वो ठाकुर जाति के लोग हैं, उनका एक का नाम है शिवेंद्र ठाकुर और एक का नाम है भाई का चकित ठाकुर,
इन दोनों भाइयों ने मिलकर के मेरे उस पर कब्जा कर लिया है। इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और SC ST के एक्ट में मुकदमा चाहते हैं।